Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqir al-Islam and I am your tutor for this computer awareness series. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Then there is another type of output device that's called as a plotter. यहाँ पे एक चीज है जो शायद यू नो मे भी पता नहीं होगी आपको, प्रिंटर और प्लॉटर में डिफरेंस क्या, आखिर काम क्या है? काम दोनों का है कि ये प्रिंटिंग ही करते हैं, बोथ प्रिंटर एंड प्लॉटर डू प्रिंटिंग, मतलब ये दोनों जो हैं ये पेपर के ऊपर कोई चीज प्रिंट कर देते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि प्रिंटर के अंदर आप देखते हो यूजली, पहला तो ये है कि इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। एप्लीकेशन मतलब प्रिंटर यूजली आप देखते हो कि यू विल फाइंड कि अगर ऑफिशियल कोई वर्क होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यू हैव लाइक A4 साइज पे जो चीज आपको प्रिंट करनी है, टेक्सचुअल डेटा है, उसके लिए आपके नोट्स हैं, बुक्स हैं, एटसेट्रा, उसके लिए प्रिंटर्स यूज होते हैं। लेकिन अब अगर आपको एक बड़े से शीट के ऊपर आपको यू हैव टू ड्रॉ समथिंग, ठीक है, या एक बड़े से शीट के ऊपर किसी चीज का डिजाइन बनाना है, या बड़े से शीट के ऊपर यू हैव टू राइट समथिंग, तो उसके लिए वी यूज द प्लॉटर्स, ठीक है। पहला तो ये है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटर एंड द प्लॉटर, फर्स्ट प्लॉटर इज यूज्ड जहां पे बड़े साइज की प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है। सेकंड थिंग इज कि इनका मैकेनिज्म डिफरेंट ऐसे है कि यहाँ पे एक पेन होता है, एक पेन जैसा होता है, यू कैन सी यहाँ पे एक पेन जैसा होता है, नीचे आप देख पा रहे ये जो ब्लैक है, यहाँ पे आपका शीट होता है, यूजली जो बैनर्स होते हैं ना, बड़े वाले बैनर्स होते हैं, वो भी प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं, वो ऐसे प्रिंटर में नहीं डालते हैं, वो एक प्लॉटर के ऊपर ऐसे रख देते हैं, बड़ा शीट जिसका भी होगा, यू नो पीवीसी एटसेट्रा जिसका भी होगा, वो शीट इसके ऊपर रखेंगे, फिर ये प्लॉटर जो है ये यहाँ से स्टार्ट करता है। यू कैन सी ये वाली जो यहाँ पे ये शाफ्ट है ये आगे पीछे मूव करती है, तो यहाँ से ये स्टार्ट करेगी, और ये जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दिस, यहाँ पे ये जो हेड है इसमें एक पेन जैसा लगा होता है, और वो पेन जो है वो ड्रॉ करता है, तो यहाँ से इस तरफ ये ड्रॉ करेगा, फिर ये जो हेड है ये पीछे की तरफ जाएगा, ये शाफ्ट पीछे की तरफ जाएगा, और फिर वो ऐसे ड्रॉ करेगा, तो ये प्रिंट हेड जो है ये ऐसे मूव करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस इनमें ये है कि जो एक प्लॉटर है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें एक पेन या पेंसिल होता है या एक मार्कर होता है, ठीक है, जो कि आप जो ड्रॉ करता है थिंग्स ऑन द, ठीक है, समझ आया ये चीज। अब यहाँ पे ये ज्यादातर यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस लार्ज ड्रॉइंग्स, सच एज अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्लान होगा, ब्लूप्रिंट होगा किसी चीज का, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स मशीन्स का अगर कोई ब्लूप्रिंट होगा, या ऑटो कैड मीन्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या कैड कैम जो मैंने आपको बताया, उसमें ये चीजें यूज होती है, क्योंकि उसमें बड़े पेपर के ऊपर या बड़े एक शीट के ऊपर चीजें ड्रॉ करनी पड़ती है। इसमें दो तरह के हमें प्रिंटर्स देखने को मिलते हैं, प्लॉटर्स देखने को मिलते हैं, वन इज द ड्रम प्लॉटर एंड द फ्लैट बेड। सेम जो वहां पे ड्रम प्रिंटर और फ्लैट बेड था वैसा ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो ड्रम प्लॉटर होता है उसमें एक ड्रम जैसा होता है, एक तरफ से आप शीट डालते हो दूसरी तरफ से निकलता है, लेकिन जो फ्लैट बेड होता है, फ्लैट बेड यूजली इन ए फ्लैट बेड प्लॉटर वी हैव इस तरह का एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके ऊपर शीट रख देते हो, और ऊपर से ये जो प्रिंटर है उसका जो हेड है वो मूव करता है और वो ड्रॉ करता जाता है। यू कैन सर्च, अगर आप समझ नहीं आ रहा है आपको, यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब प्लॉटर प्रिंटिंग समथिंग या प्लॉटर प्रिंटिंग, इस तरह का अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, यू विल गेट अ वीडियो के एग्जैक्टली ये कैसे ड्रॉ करता है, ठीक है। एंड ड्रम प्रिंटर्स जो होते हैं ये इन कंपैरिजन टू द फ्लैट बेड प्लॉटर्स ये बड़े होते हैं इन साइज, एंड विद दीज यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, अनलिमिटेड साइज के आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें क्या है कि जितना बड़ा ये नीचे सरफेस होगा ना, मैक्सिमम आप उतने ही बड़े का कोई शीट जो है वो प्रिंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे विड्थ तो है, ठीक है, विड्थ आपकी यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट है, विड्थ में आप मैक्सिमम इतना ही जा सकते हो, लेकिन लेंथ आप इन्फिनिट लेंथ का कोई चीज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि बस आपको एक तरफ से फीड करना है, दूसरी तरफ से वो निकलता जाएगा और चीजें प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज द स्पीकर, आसान सा है, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जब माइक्रोफोन की बात करते हैं, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस जो कन्वर्ट करता है वॉइस को या साउंड को इंटू इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, लेकिन ये जो है स्पीकर ये उसका उल्टा है, ये करता है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंटू
वॉइस या इनटू साउंड, ठीक है। तो दिस इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में साउंड मिलती है, इसको कन्वर्ट कर देता है साउंड के अंदर, एनालॉग सिग्नल के अंदर, जो कि हम सुन पाते हैं, ठीक है। अब स्पीकर के लिए या माइक्रोफोन के लिए एक साउंड कार्ड की जरूरत पड़ती है। साउंड कार्ड एक स्पेशल कॉम्पोनेंट होता है जो कि सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है, तो साउंड कार्ड ही कन्वर्ट करता है इस चीज को, ठीक है। ठीक है, साउंड कार्ड की हेल्प से, साउंड कार्ड की हेल्प से ये स्पीकर जो है कन्वर्ट करता है उसको, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीपीयू दे आर यूज इन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, स्पीकर्स आर यूज एवरीवेयर, आपको पता ही है। एंड ये जो स्पीकर्स होते हैं ये यूजली आपको लैपटॉप्स के अंदर तो इंटीग्रेटेड मिलेंगे, लैपटॉप में मिले हुए हैं, साथ में होते हैं, लेकिन एक्सटर्नली भी आप लगा सकते हो, एक्सटर्नल स्पीकर्स, इस तरह के स्पीकर्स भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पहले तो यूजली दीज वायर वायर्ड स्पीकर्स हुआ करते थे जो वायर से कनेक्ट किए जाते हैं, बट आज की डेट में यू विल फाइंड वायरलेस स्पीकर्स। तो ये यूजली वायरलेस स्पीकर्स होते हैं और ये कनेक्ट होते हैं वायर ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हैं। देन देर आर हेडफोन। अब हेडफोन और स्पीकर में डिफरेंस क्या है? अब हेडफोन जो है ये भी स्पीकर ही है, अगर देखोगे ये भी स्पीकर ही है, इसमें लेकिन छोटे स्पीकर्स होते हैं और उनकी आवाज आप तभी सुन पाते हैं जब इनको आप कान के पास लगाते हो, ठीक है। सो दीज आर, ये हम कह सकते हैं कि इनकी आवाज जो होती है, जो स्पीकर्स होते हैं इनकी आवाज ब्रॉडकास्ट होती है। ब्रॉडकास्ट मतलब जो भी आसपास होगा वो सुन पाएगा, लेकिन इनकी आवाज हेडफोन की ब्रॉडकास्ट नहीं होती है, वो बस वो लोग सुन पाते हैं जो जिसने ये लगाया होगा, ठीक है। तो हेडफोन्स इज बेसिकली इट्स अ पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर्स, छोटे दो लाउड स्पीकर्स होते हैं या छोटे दो स्पीकर्स होते हैं, उन्हीं का एक पेयर होता है, दो होते हैं, और जो कि यूजुअली अ पर्सन वियर्स दीज हेडफोन्स एंड वो अपने कानों के साथ लगा देता है, एंड यूजुअली दीज आर कनेक्टेड टू सम सोर्स, जहाँ से आवाज आ रही होती है। कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होंगे, मे बी किसी एक रेडियो के साथ कनेक्टेड होंगे, या किसी और आईपॉड के साथ कनेक्ट होंगे, या किसी पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जिसमें आईपॉड आता था, तो किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होंगे जहां से आवाज आ रही होगी, या मोबाइल फोन के साथ कनेक्टेड होंगे, स्मार्टफोन के साथ, जहां से आवाज आएगी, जहां से साउंड आएगी, एंड ये उसको कन्वर्ट करेगा आप जिसको आप सुन पाते हो, ठीक है। इनको स्टीरियो फोन्स भी कहते हैं, या इनको हेडसेट भी कहते हैं, या दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैन्स। देन देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट्स कॉल्ड एज स्पीच सिंथेसाइजर, मे बी इसके बारे में नहीं सुना होगा आपने। स्पीच सिंथेसाइजर इज बेसिकली एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज बाय द पीपल हु कैन नॉट सी, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, ब्लाइंड पर्सन होते हैं, वो इसका इसकी हेल्प से वो सुन पाते हैं। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर अगर कोई चीज लिखी जाती है या इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट होगा, तो ये उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है इंटू साउंड, इंटू वॉइस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट समथिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये इस स्पीकर के थ्रू आवाज आएगी रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह की चीज में भी आपने देखी होगी कहीं पे, हैव यू एवर सीन अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ मोबाइल फोन? तो देयर वाज एक हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, ही वॉज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड वो बहुत कम देख पाते थे, मतलब उनका विजन था बट ही वॉज आई थिंक नाइट ब्लाइंडनेस या पता नहीं किस तरह की उनको प्रॉब्लम थी, तो वो मोबाइल फोन में जो चीज़ें लिखी होती थी वो नहीं पढ़ पाते थे। तो उन्होंने अपने फ़ोन के अंदर एक्टिवेट किया था वो वॉइस मोड आता है एक, तो जो भी स्क्रीन के ऊपर चीज़ आती थी, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको किसी को डायल करना होता था तो उनको याद था कि इस वाले बटन पे क्लिक करने से कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, तो उस पर क्लिक करते थे तो जो कॉन्टैक्ट हाईलाइटेड होता था वो स्पीकर जो है स्पीकर से आवाज़ आती थी जिस पर्सन का वो नाम होता था। तो वैसा ही कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्पेशल डिवाइस होती है, ये एक स्पेशल डिवाइस होती है दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इंटू स्पोकन सेंटेंसेस, ठीक है। इट्स यूज्ड मेनली बाय ब्लाइंड पर्संस टू रीड आउट द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे पीपल हु कैन नॉट स्पीक टू कम्युनिकेट इफेक्टली, अब ये इसके लिए भी है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे लिख सकता है, और जैसे ही वो लिखेगा ये उसको कन्वर्ट करेगा इनटू वॉइस और उसकी आवाज़ गएगी। तो इसको दोनों पर्संस यूज कर सकते हैं, बोथ ब्लाइंड पर्संस एज वेल एज वो लोग जो नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। Then there is projector. Projector भी एक output device है।
एंड ये इसका आउटपुट जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, ये मैंने आपको बताया था. एंड दिस इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ लार्ज लार्ज स्क्रीन. ये जो होता है दिस इज लाइक योर स्क्रीन की तरह ही. जैसे स्क्रीन का काम क्या है, स्क्रीन प्रेजेंट करना आपके सामने, इमेज या बाकी ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आपके सामने प्रेजेंट करना. लेकिन ये जो है, ये स्क्रीन के ऊपर जो चीज होगी उसको किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट करता है. क्यों करते हैं हम, ताकि ज्यादा लोग देख पाए आपकी स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर जो है उसको अगर ज्यादा लोग कितने ही देख पाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे उसके पास में जो उसको देख पाए. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन, या यू वॉन्ट टू शो विजुअल्स टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल किसी सेमिनार हॉल के अंदर या किसी क्लासरूम के अंदर, उसके लिए यू विल यूज अ प्रोजेक्टर.